शो की शुरुआत एजे स्टाइल वर्सेस बॉबी लैशले वर्सेस एज के बीच ट्रिपल थ्रेट मैच से हुई। अच्छी शुरुआत इस मैच की हमें देखने को मिली, इसी वजह से मैच काफी धमाकेदार रहा। तीनों ने जबरदस्त परफॉर्मेंस इस मैच में दी और मैच में रे मिस्टीरियो शायद थोड़े इंजर्ड वगैरह भी दिखाई दिए। एज ने दोनों पे सबमिशन भी लगाया बट एजे स्टाइल ने एज पर फिनोमिनल फॉरआर्म देके पिन करा, मैच जीत लिया और क्वालिफाई कर गए सेमीफाइनल मैच के लिए। अब यार स्मैकडाउन की वीडियो आज शाम को अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि मेरा सिस्टम धोखा दे गया था। अब पहले मैंने सोचा ना करूँ क्योंकि व्यूज आएंगे नहीं आएंगे इसी बात का मेरे दिमाग में चीज़ें चल रही थी, लेकिन मैंने सोचा चलो डाल देता हूँ, जितने लोग देखेंगे देख लेंगे। और हाँ प्लीज़ जो देखने आए हो पूरा देख के जाना जिससे थोड़ा मुझे सपोर्ट वगैरह मिल सके। और हमें वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप टूर्नामेंट का सेकंड ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिला जो कि शेमस वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस बॉबी लैशले के बीच देखने को मिला। बैल बजते ही ऑस्टिन थ्योरी रिंग के बाहर निकल गए, शेमस और बॉबी लैशले ने थ्योरी को मिलकर बजा दिया और फिर ये दोनों ही आपस में भिड़ गए। थ्योरी ने जब जब आने की कोशिश करी तब तब बॉबी लैशले और शेमस ने उनमें मार दी। अच्छा मैच देखा इन तीनों सुपरस्टार के बीच। ऑस्टिन थ्योरी ने आके एक टाइम बॉबी लैशले और शेमस को थोड़ा खर्चा पानी दिया। एंड में शेमस ने ऑस्टिन थ्योरी पर ब्रॉक किक लगाई। बॉबी लैशले ने बड़ी चालाकी शेमस को रिंग के बाहर करा और पिन करके यहां जीत दर्ज कर ली। बॉबी लैशले के सर से खून भी आता दिखाई दिया। अब हमें कैमरन ग्रीम्स वर्सेस कॉर्बिन के बीच एक मैच देखा। यह मैच शुरू होने से पहले ही एंड हो गया। कैमरन ग्रीन ने कॉर्बिन को मूव दिया और 5 सेकंड के अंदर अंदर मैच जीत लिया। कॉर्बिन की तो WWE ने हालत ही ख़राब करके रख दी है। जॉबर भी 5 सेकंड में नहीं हारते हैं। इससे बच्चा ये होता है कि कॉर्बिन की एंट्री नहीं कराते, बैक स्टेज ही उनको रहने देते और वैसे ही अनाउंस कर देते कि कॉर्बिन इस मैच को हार गए हैं। अब फाइनली फैंस का इंतज़ार खत्म हुआ। बड़े लंबे टाइम बाद ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के दर्शन हुए। रोमन रेंस ने रिंग में आके फैंस को उन्हें एक्नॉलेज करने के लिए कहा। इसके बाद ट्राइबल चीफ ने बताया कि रेसलिंग में एक ही रॉयल फैमिली है। उन्होंने कहा कि रेसलमेनिया 39 में सभी सुपरस्टार को मेन इवेंट करने का मौका मिला, ब्लड लाइन के सभी सुपरस्टार को मेन इवेंट करने का मौका मिला। रोमन रेंस ने कहा कि सोलो सिकोआ पर उन्हें स्टार्टिंग में भरोसा नहीं था, बिल्कुल भी बिलीव नहीं था, लेकिन उन्होंने खुद को साबित करा है बड़े बड़े सुपरस्टार के खिलाफ। रोमन रेंस ने कहा कि सोलो प्रॉब्लम्स को खत्म कर देते हैं। हेड ऑफ द टेबल ने बताया कि सोलो सिकोआ ने मैट एडल की प्रॉब्लम को खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन रियल में उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है बल्कि उनके भाई उसोस ही उनके लिए रियल प्रॉब्लम बन रहे हैं। रोमन रेंस ने अब रेसलमेनिया 39 में उसोस को मिली हार और स्मैकडाउन में हुए रीमैच में मिली हार के बारे में बात करी। ट्राइबल चीफ रोमन रेंस ने यह भी कहा कि उसोस ने मुझे मैच डेडिकेट करके मेरा एक तरह से मजाक बना के रख दिया है, जबकि हमारी फैमिली में कई लेजेंड टैग टीम रही हैं। रोमन रेंस ने उसोस को उनसे माफी मांगने के लिए कहा। फैंस ने मना किया तो रोमन रेंस ने कहा कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो फैंस की नहीं सुनता। रोमन रेंस ने इसके बाद जिम्मी को धक्का वगैरह दिया, उनको ट करा, इसी वजह से जिम्मी उसो एक टाइम गुस्से में भी आ गए। वो ट्राइबल चीफ की तरफ बड़े ही रहे थे, बीच में जे उसो आए और उन्होंने माफी मांगी। जे उसो ने कहा कि हमें टैग टीम टाइटल ब्लड लाइन में वापस लाने के लिए एक और मौका चाहिए। अब रोमन रेंस ने कहा ब्लड लाइन के पास टाइटल आ रहे हैं। पॉल हेमन ने इसके बाद अनाउंस किया कि नाइट ऑफ चैंपियन 2023 में रोमन रेंस सोलो सिकोआ वर्सेस केविन ओवेंस सैमी ज़ेन के बीच अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल को लेकर मैच होगा। द उसोस इस चीज को लेकर के साफ तौर पर नाराज नजर आए, उनका एकदम से चेहरा उतर गया कि भाई ये क्या अनाउंस कर दिया गया, इनका तो सीन ही नहीं चल रहा था। हाँ हमारा सीन जरूर केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन के साथ चल रहा था, लेकिन रोमन रेंस इतने दिन बाद आए और खुद को केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन के अगेंस्ट अनाउंस कर दिया। रोमन रेंस ने यह भी कहा कि हम इस मैच को हिस्ट्री की सबसे लेजेंड टीम द वाइल्ड समोअन अफा और सिका जो इनकी फैमिली के मेंबर्स रहे हैं उनको डेडिकेट करेंगे। यहीं आज रोमन रेंस के सेगमेंट का एंड हुआ। उसोस काफ़ी गुस्से में थे और वो बैक स्टेज काफ़ी ज़्यादा मतलब परेशान होते हुए जा रहे थे, तभी उन्होंने LWO पर अपना सारा गुस्सा निकाल दिया, जो कि कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि उसोस और LWO के बीच अब फ्यूड देखने को मिलेगी। इसके बाद हमें लिव मॉर्गन रकील रोड्रिगेज वर्सेस बैले डकोटा काय के बीच वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच देखा। ईओ स्काई भी रिंग साइड मौजूद थी। अच्छा मैच देखा दोनों टीम के बीच जहां जबरदस्त टक्कर देखने को मिली। एंड में डकोटा काय को थोड़ा शायद प्रॉब्लम वगैरह हुई, बैली ने टैग लिया। बैली ने इसके बाद रेफरी को कहा कि तुम जाके डकोटा काय को चेक करो, तभी यहाँ ईओ स्काई टैग टीम टाइटल लेके बैले को देने आई, लेकिन रकील रोड्रिगेज ने उनसे चैंपियनशिप छीन ली। बैले ने गलती से ईओ स्काई को धक्का दे दिया। लिव मॉर्गन ने इसका फायदा उठाया, रोल अप करके पिन करा और जीत दर्ज करी और टाइटल यहाँ रिटेन कर लिए। और मैं बियांका ब्लेयर का सेलिब्रेशन सेगमेंट देखा। बियांका ब्लेयर ने एंट्री करी और उनके लिए काफ़ी ज़्यादा रिंग वगैरह सजाई हुई थी, कारपेट वगैरह बिछाया गया था, बलून्स वगैरह काफ़ी अच्छे से सजाए गए थे। तभी यहाँ आस्का की एंट्री हुई, उन्होंने आके रॉ वुमेन्स चैंपियन को कन्फ्रंट करा। आस्का ने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करा और उन्होंने बियांका ब्लेयर पर ग्रीन मिस्ट फेंक के मार दिया। अब ब्लेयर यहाँ पर जलन के मारे तड़पड़ा रही थी। ऑफिशियल्स और रेफरी ने आके आस्का को बैक स्टेज जाने के लिए कहा।
चैंपियन को उन्होंने चेक करा और उन्हें बैकस से ले गए। अब यहाँ पे आस्का का एक तरह से हील टर्न हो चुका है। मेन इवेंट में एजे स्टाइल वर्सेस बॉबी लैशले के बीच वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप टूर्नामेंट का सेमीफाइनल मैच देखने को मिला। दोनों के बीच मैच में अच्छे मूव्स देखने को मिले, दोनों ने एक दूसरे के मूव्स को काफ़ी बार काउंटर भी करा। मैच काफ़ी थकाने वाला दिखाई दिया इन दोनों सुपरस्टार के बीच और दोनों लग भी काफ़ी थके हुए से रहे थे। दोनों में से कोई भी हार मानने को फिर भी तैयार नहीं था। बॉबी लैशले के इस मैच में भी खून आया और रिंग साइड एरिया में जिसके स्पॉट साफ देखे गए। एजे स्टाइल ने बॉबी लैशले के फिनोमिनल फॉर्म दिया, पिन करा और मैच जीत के पहुंच गए नाइट ऑफ चैंपियन के फाइनल मैच में, जहां वो सेथ रॉलिंस के खिलाफ वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच लड़ते हुए नजर आएंगे। अब एजे स्टाइल ने स्मैकडाउन से क्वालिफाई कर लिया है, यानी कि एज का सपना अब चूर चूर हो गया है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए लड़ने का। अब आने वाले टाइम में फ्यूचर में लड़ते दिखाई दे तो कहा नहीं जा सकता है। वहीं इस बात को लेकर कुछ फैंस नाराज हैं, उन्हें उम्मीद थी कि एज स्मैकडाउन से क्वालिफाई करेंगे बट ऐसा देखने को नहीं मिला है। वहीं बियांका बेलेयर और आस्का की फ्यूड हम रॉ पर देख चुके हैं, एक बार फिर से फ्यूड स्मैकडाउन पर WWE दिखाएगी। वहीं रोमन रेंज ने उसोस को अपने इरादे जता दिए हैं कि भैया हारने वालों की ब्लड लाइन में कोई जगह नहीं है। जिम्मी को उन्होंने झटके वगैरह दिए, धक्का वगैरह दिया। वहीं रोमन रेंज सोलो सिकोवा वर्सेस केविन ओवन्स सैमी ज़ेन के बीच अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल के लिए मैच ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है। इट मींस अब तक जो केविन ओवन्स सैमी ज़ेन सऊदी अरेबिया नहीं जा रहे थे, वहां इस बार उन्हें जाना पड़ेगा। अब देखते हैं रोमन रेंज के पास चार टाइटल होते हैं या सैमी ज़ेन केविन ओवन्स टाइटल बचा ले जाएंगे, क्योंकि बहुत मुश्किल है रोमन रेंज की हार सऊदी अरेबिया में दिखाना। ऊपर से रोमन रेंज को 1000 days भी कंप्लीट हो रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के वीडियो में इतना ही, पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। उस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।